अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी के तीव्रसे सम्मेलन के अंदर यहां पधारे सभी पीठासीन अधिकारीगण, लोकसभा के माननीय सदस्यगण, राज्यसभा के सदस्यगण, राज्य सरकार के मंत्रीगण, विधायकगण, पूर्व विधायकगण, पूर्व सांसदगण, सबका मैं राजस्थान की राजधानी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। राजस्थान आध्यात्मिक, भक्ति, शौर्य एवं पराक्रम की धरती है। यहां की जीवंत बहुरंगी विरासत, संस्कृति और पधारो मेरा देश की संस्कृति का अनुभव आप सब पीठासीन अधिकारियों ने आपने किया होगा। इस अवसर पर मैं विशेष रूप से भारत के माननीय उपराष्ट्रपति जी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, जिन्होंने अपने व्यस्तम समय में से इस कार्यक्रम में पधारे और उनका मार्गदर्शन हमें मिलेगा। यह सौभाग्य है कि उपराष्ट्रपति जी भी राजस्थान से ही हैं और इसी विधानसभा के सदस्य भी रहे हैं। मैं इस मौके पर राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का और राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर सीपी जोशी जी का विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इस अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन की मेजबानी की और गर्म जोशी से अभिनंदन किया, स्वागत किया। मंच पर विराजे राज्यसभा के उपसभापति, वरिष्ठ पत्रकार श्री हरिवंश जी, राजस्थान के वरिष्ठ नेता, प्रतिपक्ष के नेता माननीय गुलाब कटारिया जी का भी मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मित्रों, पिछले सम्मेलन के आयोजन के बाद से हमारे कुछ पूर्व सहयोगियों के दुखद निकन का मैं उल्लेख करना चाहता हूं। श्री धनिक लाल मंडल, पूर्व अध्यक्ष बिहार विधानसभा, थिरुसेरापट्टी आर मुथैया, पूर्व अध्यक्ष तमिलनाडु विधानसभा, श्री ई बीरमणि सिंह, पूर्व अध्यक्ष मणिपुर विधानसभा, श्री मनोज सिंह मांडवी, पूर्व उपाध्यक्ष छत्तीसगढ़ विधानसभा एवं उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष माननीय पूर्व केसरीलाल जी त्रिपाठी जी का भी शोक व्यक्त करते हैं, भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे। मित्रों, एक अवसर हमें इस राजस्थान की राजधानी में मिला है। माननीय डॉक्टर सीपी जोशी जी ने पीठासीन अधिकारियों की चिंता भी व्यक्त की, उनकी वेदना भी व्यक्त की और किस तरीके से भारत का लोकतंत्र सशक्त हो, मजबूत हो, इसके लिए अपने विचार भी व्यक्त किए। निश्चित रूप से मैं इस मौके पर जो हमारा शिमला का जो सम्मेलन हुआ था, शिमला में शताब्दी वर्ष का पीठासीन अधिकारी सम्मेलन हुआ, जिसमें हमने चर्चा की कि जो पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में जो कुछ भी निर्णय हुए, फैसले हुए, उन निर्णय और फैसलों को लेकर हम कहां तक पहुंचे, उसकी व्यापक समीक्षा की गई, विचार विमर्श किया गया
और हमने पाया कि उस सम्मेलन में से कई निर्णय सफल रूप से क्रियान्वित हुए, जिसका परिणाम रहा कि हमने हमारी संसदें, हमारे विधानमंडलों के अंदर काफी नियमों प्रक्रियाओं में बदलाव लाया और उसके साथ साथ आम जनता की अपेक्षाएं आकांक्षाएं पूरी हो उसके लिए भी सतत रूप से इस सम्मेलन के माध्यम से प्रयास किया गया। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन एक ऐसा मंच है जिसमें बैठकर विधानमंडल के अध्यक्ष, राज्यों के, केंद्र के विधानमंडल के स्पीकर बैठकर चर्चा करते हैं, संवाद करते हैं, अपने अनुभवों को, अपने नवाचारों को साझा करते हैं और एक दिशा तय करते हैं जिससे कि हमारी विधानमंडल लगातार सतत रूप से विकसित होता जाए और बदलते परिप्रेक्ष्य में किस तरीके से हमारे विधानमंडल प्रभावी सिद्ध हो इसके लिए लगातार चर्चा संवाद चलती रहती है। ये आजादी का अमृत महोत्सव का वर्ष है। 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा में हमारा लोकतंत्र सशक्त हुआ है, मजबूत हुआ है। हमारी संसदें, विधानमंडल प्रभावी हुए हैं, लेकिन फिर हमें चर्चा करना, मंथन करना है कि दुनिया के अंदर भारत का लोकतंत्र प्राचीनतम लोकतंत्र है। लोकतंत्र भारत की परंपराओं के अंदर, परिवेश के अंदर हमेशा रहा है और इसलिए जब G20 का सम्मेलन हो रहा है उस समय लोकतंत्र भारत की अवधारणा है, विचारधारा है, कार्यशैली है और लोकतंत्र के माध्यम से ही हमने लोगों के जीवन में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन किए हैं और इसीलिए 21वीं सदी के जो आकांक्षी भारत है, जो नया उदय भारत हो रहा है, दुनिया भारत की ओर देख रही है, इस समय हमें इस लोकतंत्र के माध्यम से जो कुछ भी परिवर्तन हुआ उसको प्रभावी रूप से विश्व की संसदों के सामने भी और विश्व के कई देशों की सरकारों के सामने भी रखने का पर्याप्त मौका मिलेगा और इसीलिए हमेशा हमने कहा है कि लोकतंत्र की जननी के रूप में, चाहे हम प्राचीनतम लोकतंत्र की जब कई चौथी शताब्दी की चर्चा करते हैं, उसके बाद की चर्चा करते हैं, तो हमने पाया है कि किस तरीके से लोकतंत्र हमारी विरासत में रहा है और लोकतंत्र परंपराएं हमारी शुरू से रही है। इसलिए इस परिप्रेक्ष्य में हमारी ज्यादा जिम्मेदारी बन जाती है कि जब हम लोकतंत्र की जननी भारत को मानते हैं तो हमारी संसदें, विधानमंडल अधिक प्रभावी हो, उत्तरदायी हो और उत्पादकता युक्त हो। इसलिए पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में हमारी ज्यादा जिम्मेदारी है कि हम जनता की अपेक्षाएं, आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को पर खरा उतरें और इन सदनों के माध्यम से जनता के अभाव, कठिनाइयों को समाधान करने का एक रास्ता निकालें। और इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं की मंशा भी ये रही थी और उस मंशा के अनुसार देश में कानून बनाने की हमारी जिम्मेदारी है। कानून प्रभावी हो, कानून पर व्यापक चर्चा हो, कानून में जनता की सक्रिय भागीदारी हो, ताकि जितना जनता की सक्रिय भागीदारी कानून बनाने में होगी उतना ही प्रभावी कानून बनेगा
और कानून के माध्यम से हम लोगों के जीवन में अपेक्षाकृत बेहतर परिणाम ला सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं। और इसीलिए इस समय एक और चुनौती हमारे सामने है, जिसकी चिंता माननीय विधानसभा के अध्यक्ष जी ने की, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी की। हमें चिंतन करने की आवश्यकता है कि 75 वर्ष के लोकतंत्र के परिपक्व होने के बाद भी आज हमें शालीनता गरिमा की बात करने की आवश्यकता पड़ रही है। किस तरीके से सदन में शालीनता है, गरिमा है। 50 वर्ष जब आजादी के हुए थे उस समय भी इसकी चर्चा हुई। 2001 में देश में एक सम्मेलन हुआ जिसमें सारे राज्यों के मुख्यमंत्री, विधानसभा के अध्यक्ष, मुख्य सचेतक, देश के प्रधानमंत्री, सभी प्रतिपक्ष के नेताओं ने एक स्वर से बात को कहा कि हमें अगर लोकतंत्र को मजबूत करना है तो सदनों के अंदर शालीनता गरिमा होनी चाहिए, चर्चा डिबेट का स्तर ऊंचा होना चाहिए और कानून बनाने में लोगों की प्रभावी तरीके से भूमिका होनी चाहिए। और इसीलिए आज भी ये चिंता का विषय है और इस चिंता को दूर करेंगे हमारे जनप्रतिनिधि। हमारे जनप्रतिनिधि जितने परिपक्व रूप से शालीनता गरिमा रखेंगे, संवाद और चर्चा में उच्च कोटि की चर्चा संवाद करेंगे, कानून बनाते समय व्यापक रूप से उसकी समीक्षा करेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन कानून बनाते समय जब अध्यक्ष जी ने कहा कि कानून बनाते समय जो समय कम होता जा रहा है, कानून जिस तरीके से जल्दी से पारित हो रहे हैं, ये देश के लिए भी चिंता है और विशेष रूप से हमारे लोकतंत्र के लिए विशेष चिंता का प्रश्न है। और इसीलिए इस 75 वर्ष की इस लोकतंत्र की यात्रा में हम हमारे विधानमंडलों की इमेज को अच्छा बनाएं, इनकी प्रोडक्टिविटी बनाएं, शालीन गरिमा को ठीक करें और अनुशासित सार्वभौमिक तरीके से चर्चा कर एक प्रभावी लोकतंत्र की भूमिका को करने का काम करें। यह बात सही है कि बदलते परिप्रेक्ष्य में सूचना प्रौद्योगिकी का बहुत बड़ा महत्व है और सूचना प्रौद्योगिकी का महत्व होने के कारण अधिकतर विधानसभाएं के अंदर लाइव हो रहा है। देश की जनता विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा की कार्यवाहियों को देखती है, उनके मन चिंतन में एक अच्छा प्रभाव पड़े, उनके विचारों में जो हमारी संस्थाएं हैं उनके प्रति अच्छी प्रभावशालीता पड़े, उसकी गरिमा उनको नजर आए, ताकि लोगों का, जनता का और विश्वास, भरोसा इन लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति बढ़े। जन विश्वास को बढ़ाना यह हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और इसके लिए लगातार हम चर्चा करते रहते हैं। विधानसभाओं के अंदर, लोकसभा के अंदर हमारे जनप्रतिनिधियों की कैपेसिटी बिल्डिंग हो, इसके लिए हर विधानसभा में, लोकसभा में हमने रिसर्च के, इनोवेशन के नए सेंटर खोले हैं। उनको हम पुरानी डिबेट जैसे राजस्थान में की, देश के अंदर इस तरीके की पुराने डिबेट और चर्चाएं उपलब्ध कराते हैं ताकि वह एक अच्छी चर्चा संवाद कर सके। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने पिछली बार स्पीकर कॉन्फ्रेंस में एक विजन दिया था, वन नेशन वन लेजिस्लेटिव प्लेटफॉर्म, और इस दिशा के अंदर भारत की संसद और राज्य की विधानमंडल मिलकर काम कर रही है। आने वाले समय के अंदर एक प्लेटफॉर्म पर देश की संसद हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे विधानसभा हो, उनकी कार्रवाई पूरी देश देख पाएगा। जो उनकी पुरानी डिबेट है, चर्चा है, कानून बनाते समय जो चर्चा हुई उन सबको देख पाएगा, ताकि पूरे देश के अंदर एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर जब लेजिस्लेटिव का प्लेटफॉर्म होगा तो निश्चित रूप से हमें चर्चा करते समय, संवाद करते समय और जानकारी मिलेगी। इसके लिए भी पीठासीन अधिकारी
लगातार प्रयास कर रहे हैं। राजस्थान हो चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, सभी विधानसभाओं ने अपनी अपनी डिबेटों को कंप्यूटराइज किया है और इसको हम लगता है कि इस 2023 के अंदर इस डिजिटल संसद के इस प्लेटफॉर्म को भी देश की जनता को समर्पित कर देंगे। साथियों, जैसा सबने चिंता व्यक्त की कि संसद और विधानमंडल के अध्यक्ष हमेशा न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, उनके अधिकारों का, उनकी स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारा यह भी मानना है कि संविधान में जो मर्यादा दी है उस मर्यादा का पालन न्यायपालिका भी करे। न्यायपालिका से भी अपेक्षा की जाती है कि जो उनको संवैधानिक मैंडेट दिया गया है वो उस मैंडेट का उपयोग करे, लेकिन अपनी प्रत्यक्ष शक्तियों के पृथक्करण और संतुलन को के सिद्धांतों को बनाने में भी सहयोग करे। ये अपेक्षा हमारे पीठासीन अधिकारियों की है और इसीलिए विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका को संविधान ने शक्तियां दी है, क्षेत्राधिकार दिया है और उन क्षेत्राधिकारों में रहकर हम किस तरीके से और जनता का भरोसा विश्वास जीत सकते हैं, इसके लिए हमें काम करने की आवश्यकता है। मित्रों, हमारा देश लगातार आगे बढ़ रहा है, इसी के साथ हमारी विधायी संस्थाओं के अंदर भी हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जनता का भरोसा विश्वास और कायम हो और इसके लिए जो ये पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन हैं उन सम्मेलन के अंदर जो चर्चा होती है वो दीर्घकाल की दिशा देती है और मुझे आशा है कि राजस्थान की राजधानी के अंदर जो निर्णय, जो फैसले होंगे, यहां पर माननीय भैरव सिंह शेखावत जी उपराष्ट्रपति के रूप में रहे, कई वरिष्ठ नेता रहे यहां पर जिनका एक लंबा अनुभव रहा है और राजस्थान के कई निर्णय आज देश और दुनिया के अंदर उन निर्णय और फैसलों को पूरा विश्व भी मानता है, देश भी जानता है। इसलिए मुझे लगता है कि दो दिन होने वाले विचार विमर्श में हमारे पीठासीन अधिकारियों के जो नए दृष्टिकोण आएंगे, नए विचार आएंगे, उनको लेकर हम आगे बढ़ेंगे और जिन बिंदुओं को लेकर हमने चर्चा की है और जिन विषयों को लेकर चर्चा की है उससे एक श्रेष्ठ परिणाम आएगा। मुझे उम्मीद है कि हम जनता की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे और जनता ने जो मैंडेट हमें दिया है लोकतंत्र को सशक्त मजबूत बनाने का, उसको प्रभावी तरीके से कर पाएंगे। आप सभी को, पुनः यहां पर आए सभी पीठासीन अधिकारियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मुझे आशा है कि आपकी सार्वजनिक चर्चा से हम निश्चित रूप से एक बेहतर परिणाम देश की जनता को दे पाएंगे। धन्यवाद।